CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 8 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक वसंत में संकलित एक पाठ की ध्वनि प्रस्तुति। पाठ का शीर्षक है पहाड़ से ऊंचा आदमी। तीन सौ साठ फीट लंबा और तीस फीट चौड़ा पहाड़ काटने के लिए कितना वक्त लग सकता है? निश्चित ही टेक्नोलॉजी के इस युग में इस सवाल का जवाब इस बात पर निर्भर करेगा कि आप पहाड़ का सीना चीरने के लिए किस मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि इसी काम को एक ही शख्स को अंजाम देना हो तो कितना वक्त लगेगा? शायद ये चकरा देने वाला सवाल होगा, लेकिन बिहार के गया जिले के गेलौर गांव में एक मजदूर परिवार में जन्मे एक शख्स ने इसका जवाब अपने बाजुओं और अपनी मेहनत से दिया। पहाड़ को हिला देने वाले उन दशरथ मांझी ने राजधानी दिल्ली में 2007 में अंतिम सांस ली। वर्ष 1966 की किसी अल सुबह जब छेनी हथौड़ा लेकर दशरथ मांझी अपने गांव के पास स्थित पहाड़ के पास पहुंचे तो बहुत कम लोगों को इस बात का पता था कि इस शख्स ने अपने दिल में क्या ठान लिया है। मजदूरी और कभी कभार इधर उधर काम करने वाले दशरथ मांझी ने जब पहाड़ पर छेनी हथौड़ा चलाना शुरू किया तो आने जाने वाले राहगीरों के लिए ही नहीं गांव के लोगों के लिए भी वो एक हंसी के पात्र बन गए थे। दशरथ मांझी को पहाड़ तोड़ रहा है, बता ऐसा की ऐसा क्या हो गया है? ये पहाड़ तोड़ेंगे दशरथ मांझी। जीवन संगनी फागुनी देवी का समय पर इलाज न करा पाने से उसे खो चुके दशरथ मांझी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। धुन के पक्के दशरथ की अथक मेहनत 22 साल बाद तब रंग लाई जब उस पहाड़ से एक रास्ता दूसरे गांव तक निकल आया। आखिर ऐसी क्या बात हुई कि दशरथ को पहाड़ चीरने की धुन सवार हुई? दरअसल पहाड़ को जब तक चीरा नहीं गया था तब तक दशरथ के गांव से सबसे नजदीकी वजीरगंज अस्पताल 90 किलोमीटर पड़ता था। दशरथ की पत्नी की तबीयत खराब होने पर उसे वहां ले जाने के दौरान ही उसने दम तोड़ दिया था। उन्हें लगा कि पहाड़ से कोई रास्ता होता तो मैं अपनी पत्नी को वक्त पर अस्पताल ले जाता और उसका इलाज करा पाता।
सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की एक कविता है। दुख तुम्हें क्या तोड़ेगा, तुम दुख को तोड़ दो, बस अपनी आंखें औरों के सपनों से जोड़ दो। जिंदगी का 30वां वसंत पार कर चुके दशरथ मांझी ने शायद शेष गांव के निवासियों के मन में दबी इस छोटी सी हसरत को अपनी जिंदगी का मिशन बना डाला और अपनी पत्नी की असामयिक मौत से उपजे प्रचंड दुख को एक नई संकल्प शक्ति में तब्दील कर दिया। पांच छह साल तक दशरथ अकेले ही मेहनत करते रहे। धीरे धीरे और लोग भी जुड़ते चले गए। वहां एक दान पात्र भी रखा गया था जिसमें लोग चंदा डाल देते थे। कई लोग अपने घर से अनाज भी देते थे। आज की तारीख में आप कह सकते हैं कि गेलौर से वजीरगंज जाने की 80 किलोमीटर की दूरी को 13 किलोमीटर ला देने वाला ये रास्ता एक श्रमिक के प्यार की निशानी है। एक अंग्रेज पत्रकार ने लिखा, पुअर मैन्स ताजमहल। कुछ साल पहले एक पत्रकार उनसे मिलने गया, तब एक फक्कड़ कबीरपंथी की तरह यायावरी कर रहे दशरथ मांझी ने उन्हें अपनी एक प्रिय कहानी सुनाई थी, जो उस चिड़िया के बारे में थी जिसका घोंसला समुद्र बहा कर ले गया था। कहानी उस चिड़िया की प्रचंड जिजीविषा और संकल्प को बयां कर रही थी, जिसके तहत समुद्र द्वारा घोंसला न लौटाने पर चिड़िया ने अकेले ही समंदर को सुखा देने का संकल्प लिया। शुरुआत में उसे पागल करार देने वाली बाकी चिड़ियां भी उसके साथ जुड़ गईं, और फिर विष्णु का वाहन गरुड़ भी इन कोशिशों का हिस्सा बन गया। फिर बीच बचाव करने के लिए खुद विष्णु को आना पड़ा। जिन्होंने समुद्र को धमकाया कि अगर उसने चिड़िया का घोंसला नहीं लौटाया तो पल भर में उसे सुखा दिया जाएगा। तब पत्रकार ने जब उनसे पूछा कि कहानी की चिड़िया क्या आप ही हैं, इसके जवाब में आंखों में शरारत भरी मुस्कान लिए दशरथ मांझी ने बात टाल दी। पिछले कुछ सालों से दशरथ मांझी कबीरपंथी साधु बन गए थे और यायावर बने हुए थे, लेकिन कबीर का उनका स्वीकार महज ऊपरी नहीं था। उनके विचारों में भी कबीर जैसी प्रखरता थी और मेहनत कशों का ईश्वर पूजा में उलझे रहना
और तमाम अंधश्रद्धाओं का शिकार होना उन्हें कचोटता था। वे कहते थे कि जिंदगी भर फाका कशी करते रहे आदमी की मौत के बाद मृत्यु भोज में अच्छे अच्छे पकवान खिलाए जाते हैं। इसके लिए लोग कर्जा क्यों लेते हैं? दशरथ मांझी हमारे बीच नहीं है, लेकिन क्या वे हमें उन मिथकीय पात्रों की याद दिलाते प्रतीत नहीं होते, जैसे पात्र हमें पुराणों में मिलते हैं? फिर वो चाहे प्रोमेथियस हो या भगीरथ, ऐसी शख्सियतें जो मनुष्य की उद्दाम जिजीविषा को प्रतिबिंबित कर रही होती हैं और अपनी कोशिशों से प्रकृति की दानव शक्तियों और इंसानियत के दुश्मनों से लड़ रही होती हैं। अपने जीवन का फलसफा बयान करते हुए उन्होंने एक पत्रकार को शायद इसलिए बताया था कि पहाड़ मुझे उतना ऊंचा कभी नहीं लगा जितना लोग बताते हैं। मनुष्य से ज्यादा ऊंचा कोई नहीं होता। पहाड़ से ऊंचा आदमी। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। पाठ समन्वय प्रमोद कुमार दुबे, आलेख सुभाष गाताड़े, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, कलाकार नीरज शर्मा, ध्वनि नियंत्रण सतीश लाड़े, ध्वनि अंकन अमिता भट्टी और बटी लैंगलिंगडो, तथा निर्माण एवं प्रस्तुति दाऊ दयाल चतुर्वेदी।